सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? एक्साइटेड तो आपको रहना पड़ेगा। जी हाँ, एक्साइटेड तो आपको रहना पड़ेगा, बिकॉज अभी आपको पता है कि हमारी जो वेबसाइट है, ये देखिए हमारी जो वेबसाइट है अभी अंडर मेंटेनेंस में है। जी हाँ, अभी अंडर मेंटेनेंस में है। एंड अभी मुझे एक खबर मिली थी कि हमारी जो वेबसाइट है वो लगभग ईडीटी टाइम के अकॉर्डिंग 10 बजे ये सही हो जाएगी। अब ईडीटी टाइम कौन सा है? अमेरिका वाला टाइम है, यानी कि ईडीटी टाइम रात को 10 बजे तक ये सही हो जाएगी। अब रात के 10 बजेंगे अमेरिका में, तो यहां मतलब अगले दिन यहां पे लगभग दिन के 2 या 3 के आसपास बच जाएंगे। सो यहां पे इस तरीके से एक खबर आई थी। अब देखना यह है कि यह खबर जो है कितनी सच होती है, लेकिन जब भी होगा, लेकिन हाँ सही तरीके से हो जाएगा। आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि हम जो हमारा ये तो सब कुछ ठीक ठाक होके आ ही जाएगा हमारे सबके सामने, क्योंकि इसमें अब ज्यादा टाइम नहीं लगना है। लेकिन जब ये सही होके आ जाएगा, तो आज हम बात करने वाले हैं विड्रॉल के अंदर, जब हम अपना कोड डालते हैं, जब हम अपना इनकम को विड्रॉ करते हैं तो उसमें कोड डालते हैं। एक होता है IFSC कोड एंड एक होता है स्विफ्ट कोड। तो आज इन दोनों कोड के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि व्हाट इज स्विफ्ट कोड एंड व्हाट इज IFSC कोड, और आपको इन दोनों में से किस चीज का इस्तेमाल करना है। ओके, एंड अगर आपको स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ती है तो वो मैं आपको बताऊंगा, विस्तार से बताऊंगा, और स्क्रीन शेयर करके बताऊंगा आपको मैं कि आप किस तरीके से उसको स्विफ्ट कोड को आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में नहीं, किसी दूसरी वीडियो में, क्योंकि वो वीडियो जब स्क्रीन शेयर करूंगा तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। वो पहले तो हमें ये सोचना है, पहले हमें ये समझना है कि जो IFSC कोड होता है वो आपको और हम सबको पहले से पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ नेशनल ट्रांजेक्शन के लिए होता है। नेशनल ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कि हम अपने देश के अंदर ही जब ट्रांजेक्शन का यूज करते हैं। अगर आपको मेरे अकाउंट में पैसे भेजने और मैं आपको खाता नंबर देता हूं, तो आपको IFSC कोड की जरूरत पड़ेगी, ताकि उस ब्रांच से रिलेटेड ही वो पैसा उस खाते में चला जाए। इसके अलावा अगर हमारा जो पैसा होता है वो जब दूसरे देश से आता है, या हम दूसरे देश को हम भेजते हैं किसी के खाते में, तो स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ती है। और आपको और हम सबको पहले से पता है कि हमारी जो कंपनी है वो ऑलरेडी एक इंटरनेशनल कंपनी है, अमेरिका वेस्ट कंपनी, अमेरिकन कंपनी है, और यहां पे हम सब लोगों को स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ने वाली है। और स्विफ्ट कोड जो होता है वो 11 अंकों का होता है, और हमारा जो IFSC कोड होता है वो भी 11 अंकों का ही होता है, लेकिन दोनों में फर्क होता है। जी हाँ, दोनों में फर्क होता है। और वो किस तरीके का फर्क नजर आता है और किस तरीके से दोनों में डिफरेंस नजर आता है, जब मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे स्विफ्ट कोड की हमें जरूरत क्यों है? क्योंकि हमारा जो पेमेंट बाहर से आ रहा है वो सबसे पहले जब किसी देश के उस ब्रांच में आता है, तो वहां पर सबसे पहले जो एक इंटरनेशनल ब्रांच होती है वो सबसे पहले पैसा उस खाते के अंदर जाता है। जी हाँ, सबसे पहले पैसा उस खाते के अंदर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक किसी गांव के अंदर रहते हैं और आपका उस गांव के अंदर बैंक अकाउंट है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उस बैंक अकाउंट के अंदर आपका स्विफ्ट कोड होगा। आपका स्विफ्ट कोड उसी बैंक का किसी दूसरे शहर के अंदर जो ब्रांच है उसमें भी हो सकता है, या उससे और कहीं दूर है उसमें भी हो सकता है, तो उसका भी आप यूज कर सकते हैं। सो यहां पे जो हमारा जो स्विफ्ट कोड होता है वो एक इंटरनेशनल ब्रांच का होता है, जहां पे बाहर से जो कोई भी पैसा आता है तो वो रिसीव करती है पहले बैंक। उसके बाद जब उस बैंक में पैसा आ जाता है, उसके बाद आपकी जो लोकल बैंक होती है जहां पर आपका खाता है, तो वहां से वो पैसा ट्रांसफर किया जाता है। अगर हम यूं मान के चलें कि हमारा पैसा अगर बाहर से आता है, दूसरे देश से अगर आता है, तो कहीं ना कहीं ये 2 या 3 जगह होकर के हमारे बैंक अकाउंट में आता है, जहां पर हमारा मेन ब्रांच में हमारा अकाउंट होता है। 2 से 3 दफा जो है राउंड लेता है ये, पहले किसी दूसरे बैंक में जाएगा, फिर किसी दूसरे बैंक में जाएगा, फिर उसके बाद फाइनली जो है हमारे बैंक में आता है जहां पर हमारा खाता होता है। सो यहां पर जो स्विफ्ट कोड है उसकी आपको जरूरत पड़ने वाली है, और स्विफ्ट कोड को आपको पता है कि आपको ये जानना जरूरी है। सबसे पहले अगर हम बैंक में जाते हैं तो बहुत सारे बैंक के कर्मचारियों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, लेकिन बहुत सारे जो एक बिग सिटीज में जो हमारी बैंक होती हैं, बड़े बड़े शहरों में, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो बैंक होती हैं, उनको सबको इसके बारे में जानकारी
होती है या फिर जो इंटरनेशनल तरीके से कोई भी पैसा रिसीव करते हैं, कहीं से भी कोई भी काम करके पैसा रिसीव करते हैं बैंक अकाउंट के अंदर, तो उनको ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे हम लोगों को अपना अपना जो स्विफ्ट कोड है, जी हाँ, अपनी अपनी बैंक का जो स्विफ्ट कोड है वो आपको रखना पड़ेगा। इसकी जरूरत पड़ने वाली है जब आप विड्रॉ करेंगे, और विड्रॉ करते समय इस बात को हमें बहुत ही सावधानी से इसको इस्तेमाल करना है, और इसे एक बार आपको ले लेना है बस विड्रॉ, जो स्विफ्ट कोड है वो आपको सिर्फ एक ही बार लेना है, बार बार नहीं लेना है, और उसके बाद हमारा जो स्विफ्ट कोड है वो उस बैंक में चला जाएगा, उसके बाद आप आसानी से हर बार अपना विड्रॉ आसानी से कर पाएंगे। सो ये एक जो छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ स्विफ्ट कोड एंड आईएफएससी कोड, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो आपको ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, पक्की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, एंड बहुत ही जल्द इसी चैनल पे मैं आपको स्विफ्ट कोड को निकालने की पूरी ट्रिक नहीं बल्कि पूरी की पूरी एक इंडिया की लिस्ट ही आपको सौंप दूंगा। तो वहां पे आप खास तौर से, अगर मैं SBI की बात करूं, जैसे आपका खाता अगर SBI में है और मैंने उसमें SBI की अगर मैंने स्विफ्ट कोड को सर्च किया तो वहां पे बहुत सारी चीजें हमारे सामने आ जाती हैं, पूरी लिस्ट सामने आ जाती है। तो उसी प्रकार से आपका खाता कैनरा में हो सकता है, बैंक ऑफ बड़ौदा में हो सकता है, आपका HDFC में हो सकता है, किसी बैंक में हो, लेकिन हाँ कुछ ऐसी बैंक है जैसे कि ग्रामीण बैंक हो गए, इनके स्विफ्ट कोड नहीं होते हैं। जो माने जानी कंपनियां हैं, बैंक हैं, उनकी आपको स्विफ्ट कोड आसानी से मिल जाएंगे और आप उनका इस्तेमाल कर भी सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपका जिस बैंक में खाता है उसी में ही आपका स्विफ्ट कोड हो, नहीं, या फिर उस बैंक में अगर स्विफ्ट कोड नहीं है जिसमें आपका खाता है तो हम अपना स्विफ्ट कोड किसी दूसरे बैंक का स्विफ्ट कोड इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहीं। आपका अगर SBI में खाता है, आपके गांव में बैंक है, तो आप अपने जिले की दूसरी SBI शाखा का स्विफ्ट कोड इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपसे 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर की दूरी पर हो सकती है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, भले ही आपका उस बैंक में खाता हो या ना हो। बिकॉज जब वहां से, जब बाहर के देश से जब आपका पैसा रिसीव होता है तो पहले उस बैंक में जाएगा और वहां से संबंधित बैंक से आपके बैंक खाते में पैसा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये एक प्रोसेस रहती है और इस प्रोसेस को ही जो है हमें सही तरीके से समझना होता है, और अगर आपने इस प्रोसेस को सही तरीके से समझ लिया है तो आपको पता चल गया होगा कि स्विफ्ट कोड हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। और हमारे ऐसे बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर होंगे जो पहली बार ऑन पैसिव के माध्यम से बाहर से यानी कि विदेश से पैसा रिसीव करने वाले हैं। जी हाँ, बाहर से यानी कि विदेश से डॉलर्स के रूप में पैसा रिसीव करने वाले, ऐसे बहुत सारे ऐसे फाउंडिंग मेंबर्स होंगे, ऐसे बहुत सारे कस्टमर होंगे जो पहली बार विदेश से पैसा कमाएंगे। बहुत सारे लोग इंडिया में रहकर तो पैसा कमाते ही हैं, लेकिन आपको एक गर्व होना चाहिए कि मैं इंडिया में रह करके अमेरिका से जो है पैसे कमाता हूं। सो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन जो है समझ में आ गई होगी कि IFSC कोड आपको वहां पे यूज करना है या स्विफ्ट कोड आपको यूज करना है, और अगर हमारा स्विफ्ट कोड वहां पे यूज होता है तो आपको पता है कि आपको कैसे निकालना है, वो मैंने आपको बता दिया है, और पूरा का पूरा एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर कभी, लेकिन अभी नहीं, जब तक ये मेंटेनेंस के अंदर है हमारी वेबसाइट तब तक मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन जैसे ही मेंटेनेंस से हमारी वेबसाइट बाहर आएगी उसके बाद एक दिन किसी भी एक वीडियो के अंदर, एक दिन में आपको पता है कि मैं जो है कम से कम 2-3 वीडियो तो डालता हूं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है और आपको हर एक वीडियो के अंदर एक सटीक इन्फॉर्मेशन देना मेरी जिम्मेदारी है। सो आपको एक पूरी किसी ना किसी दिन जो है एक वीडियो के अंदर पूरा का पूरा स्क्रीन शेयर करके आपको IFSC कोड के, सॉरी स्विफ्ट कोड के बारे में मैं जानकारी दूंगा कि किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप थोड़ा सा वेट करिए और थोड़ा सा आप इंतजार का थोड़ा सा मजा लीजिए, और बिकॉज बहुत ही जल्दी ये हमारे सामने वेबसाइट जो है एक नए अंदाज में और बहुत सारे न्यू लुक और न्यू फीचर्स के साथ बहुत ही जल्दी प्रकट होने वाली है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, वी आर सोनेट 2।